हमारे साथ प्रदीप हैं यूपी से। स्वागत है प्रदीप आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा सवाल अगेन जी से है। जी जी बताइए। नमस्कार सर। जी आदाब सर। हमारे पिताजी हैं, करीब उम्र है उनकी 65 साल। तो उनके घुटनों में दर्द रहता है और सूजन भी रहती है। ठीक है। और उनको सर्दी हो या गर्मी हो, मतलब हरदम जुकाम सा बना रहता है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, घुटनों के तकलीफ के लिए हर घर में एक बुज़ुर्ग है और हर बुज़ुर्ग को एक तकलीफ़ है, जोड़ों की तकलीफ, घुटनों की तकलीफ, कमर की तकलीफ। अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा के साथ वो ठीक हो जाए, तो एक रॉ मटेरियल आता है, उसको कहते हैं गौन स्याह। गौन स्याह गम, गौन मतलब गम, गौन स्याह देखने में ब्राउन और जायके में कड़वा होता है। असली वाला लीजिए और 100-200 ग्राम खरीद लीजिए। इसका पाउडर बना के दो चुटकी सुबह, ये चुटकी है ना, दो चुटकी ऐसी भर भर के सुबह और दो चुटकी शाम, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से या जूस से खिलाएं दो बार, तो उनका कैसा भी दर्द ठीक होना मुमकिन है। ज़ुकाम जो बना रहता है उसके लिए लिसोड़ा आता है, लिसोड़ा गांव वाले सब जानते हैं, लिसोड़ा आप सर्च भी कर सकते हैं। लिसोड़ा लीजिए और उसको एक चम्मच में जितने आए, सूखा हुआ मिलता है, उसे पानी में उबाल के उन्हें पिलाया करें रोज़ाना एक बार या दो बार, तो उनकी सर्दी भी ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं मुन्ना बक्सर से हमारे साथ। स्वागत है मुन्ना आपका। सर नमस्कार। जी आदाब। जी बोलिए। हम शुगर के पेशेंट हैं। ठीक है। हमारा शुगर है अभी 234। 234 दवा खाने के बाद? दवा खाने के बाद 234 है। अच्छा, ये खाली पेट की है या खाना खाने के बाद? अच्छा, खाना खाने के बाद खाली पेट की कितनी होती है? 110। अच्छा, देखिए जिन लोगों को शुगर होती है उनकी खाना खाने की बात की शुगर जितनी होती है खाली पेट की, उससे दोगुनी हो जाती है, ये उनका रोग है। और इसके लिए आप दवा, सही दवा ले रहे हैं। और जो खाली पेट की है 110 है, ये अगर 100 के अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा है। एक दवा है, एक सिरका है, वो बहुत इसमें मशहूर है और बहुत कामयाब भी है, आप उसे ले लें। जैतून का सिरका आप 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम, अपनी सब्जी वब्जी में मिला के भी ले सकते हैं, पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं, तो इससे शुगर कंट्रोल रहने के साथ आपके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी जिनको डायबिटीज़ नुकसान देती है, जैसे किडनी, आँखें, लीवर, दिल, तो इनको नुकसान नहीं पहुंचने देती और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगले कॉलर हैं मोहिनी कोटा से हमारे साथ। स्वागत है मोहिनी आपका। जी साहब, वो साहब से बात करनी है, अतीम साहब से। जी मोहिनी जी, आदाब, बताइए क्या सेवा? सर मेरे एक तो पहले तो मेरे पित्त में पथरी है। पित्त की थैली में पथरी है जो बहुत मतलब पुरानी है। कितनी बड़ी है? उसका कोई मतलब 18-20 तक है। ठीक है। अच्छा ML। ठीक है। और हाँ, और मतलब पित्त कफ वायु ये भी ज्यादा और कुचल चलती है, जो मतलब फोड़े निकल आते हैं। और उम्र है मेरी 75। अरे बाप, तो बहुत ही नियर है, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ। अच्छा देखिए, पित्त की पथरी ज़्यादातर जब बड़ी होती है तो उसे ऑपरेट ही करना पड़ता है। और जिसके भी पित्ते में पथरी होती है, जब भी वो कुछ खाता है तो वात पित्त और ये सब बढ़ ही जाता है और बहुत परेशानी होती है, बहुत बेचैनी, बड़ी तकलीफ़ होती है। जब ये मूवमेंट में होती है तो बहुत तकलीफ़ देती है। अच्छा तरीका ये है कि इसको आप रिमूव करा दें। आजकल बहुत अच्छे ऑपरेशन हैं जो पता भी नहीं चलता और कैमरा डाल के ऑपरेशन कर देते हैं पेट में।
तो आप उसके लिए दवा ना लें तो बेहतर है। और बाकी जितनी आपकी परेशानी है उसका मैं, अगर ये किडनी में होती तो कितनी बड़ी होती, मैं आपको नुस्खा बताया था, निकल सकती थी। तो इसके लिए आप ज़रूर ऑपरेशन का की तैयारी रखें, और कभी ये क्योंकि इतनी परेशानी कर देती है कभी कभी, क्योंकि वो पित्ता जो है बहुत बारीक होता है, एक स्किन की तरह, एक झिल्ली की तरह होता है, वो कभी कभी उसमें ये इन्फेक्शन ऐसा कर देती है कि जान बचानी मुश्किल होती है। तो मेरी बात पर गौर करना और कभी भी इसे निकलवा दीजिए। आप सेहतमंद लग रही हैं, 75 साल की भी और राजस्थान की बहुत मजबूत औरत लगती हैं आप मुझे, और बाकी आपकी तमाम चीज़ों का इलाज होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं, प्रोफेसर उदारी पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है आपका। आदाब हकीम साहब। आदाब अर्ज, कैसे हैं जनाब? बहुत कृपा आपकी, मैं बहुत देर से सिरना और सौंफ की फकी ले रहा था कब्ज के लिए, अब ये कुछ काम नहीं करती। काफी देर इसने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा आप ये बताइए कि और सौंफ की बराबर की मात्रा में लेकर, ठीक है ठीक है, रात को लेते थे। अच्छा देखिए, आपको ये किसी वैद्य ने या हकीम ने बताया था कि ये लेना है? हेलो, एक जज साहब थे, मुझे मेरे को कनाडा में बताया था एक बार, तो मैंने शुरू कर दिया, अब 3-4 साल तो बहुत अच्छा चला है ये। ठीक है, मैं यही बताना चाह रहा था आपको। देखो, जज साहब का काम है कानून के फैसले देना, हम किसी भी जज के भी कहने से कोई भी चीज़ शुरू नहीं कर सकते। ये जो मक्की सना मक्की है ये पेट को उधेड़ देती है, इससे होशियार रहें, लोग खाते हैं लेकिन ये आंतों को उधेड़ देती है। कोई भी कुछ भी बताता है, कोई आके बताता है कि वो त्रिफला लो, ये त्रिफला और सना मक्की ये सब अच्छे लगते हैं कि इधर खाया इधर पेट साफ, आदमी सोचता है डॉक्टर ने मुझसे 1000 रुपए ले लिए और ये 2 पैसे का नुस्खा ने मेरा पेट साफ कर दिया। तो गौर से सुनिए ये बात मेरी, ये सब नुकसान देते हैं। जब तक इनको मैलूल नहीं किया जाता, इन्हें शुद्ध नहीं किया जाता, इनको शुद्ध किया जाता है, सना मक्की हो या त्रिफला हो, इसको बादाम के तेल में भूना जाता है, और या कोई गरीब आदमी है तो अरंडी के तेल में भूनते हैं इसे। अरंडी के तेल में भूनकर इनकी हिद्दत ख़त्म हो जाती है, जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है, फिर इसे यूज़ करते हैं। तो आप ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, कोई भी जो लोग करोड़ों लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये सब जो लोग आके बताते हैं बाबा लोग और ये वो, तो इनकी बात में आपको फ़ायदा तो लगता है कुछ दिन के लिए, लेकिन हमेशा के रोगी हो जाते हैं। देखिए मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, धनिया, ज़ीरा, और एक नमक आता है कलौंजी का नमक, उसे आसान जबान में कहते हैं, या एस्टेक कलौंजी कहते हैं, एस्टेक कलौंजी या नमक कलौंजी भी कह सकते हैं, वो इसमें 100 ग्राम मिला लीजिए और इन सबको पाउडर बनाइए घर पर, बाहर से पिसावा बिल्कुल नहीं लाना, और ये आप एक चम्मच सुबह एक चम्मच खाएंगे तो आपको पेट में राहत होगी और आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। चलिए अगले कॉलर हैं, राजकुमार अंबाला से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी शरीर पे ना खुजली होती है, 2-3 साल हो गए, लाल लाल पिटाक पड़े होते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, जिन लोगों को भी चकत्ते से पड़ जाते हैं, बॉडी पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो ये एलर्जी है एक तरह की, बहुत आसान इलाज है। देखिए आसान इसलिए है कि दोनों चीज़ें आपके किचन में हो सकती हैं। अलसी को लीजिए, आपकी मम्मी हो या पत्नी हो उनसे कहिए अलसी दे दें, हल्का सा भून के, बहुत हल्का सा भून लीजिए अलसी को और पाउडर बना लीजिए, और एक चम्मच अलसी और एक चुटकी या आधा चुटकी सोडा खाने वाला, इसमें मिलाकर आप रोज़ खाइए, आधा चुटकी सोडा, एक चम्मच अलसी का पाउडर भुना हुआ, हल्का भुना हुआ आप खाएंगे, अगर कुछ दिन या कुछ हफ्ते
तो आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। तो चलिए, आपकी परेशानी एकदम ठीक हो जाएगी क्योंकि अब आपने देसी नुस्खे यहाँ पे जान लिए हैं। दर्शकों, आप लोग कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए क्योंकि एक एक नुस्खा तभी आप लोग समझ पाएंगे। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं तो आप टीवी से एक वीडियो बना लीजिए या फिर अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को सहूलियत हो सके, आप लोग जान पाए कि कौन सा देसी नुस्खा आपको अपनाना है। और अब बात होती है अतिया हर्ब्स की, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी, अतिया हर्ब्स के प्रमोटर हैं और रिसर्चर फाउंडर हैं हकीम सुलेमान खान साहब जी, जिसकी 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी देश भर में है और ये एक ब्रांडेड कंपनी है। इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। रावत जी, स्वागत है आपका। जी, तेज आवाज में बात कीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैडम, मैं ये बोल रहा था कि हमारे यहाँ मदर को थोड़ी तकलीफ। क्या तकलीफ है? उनको पैर हाथ खूब दर्द करते हैं, कमर दर्द, पैर हाथ दर्द, कमर दर्द है। और मैं समझ गया, ठीक है। एज बता दीजिए अगर आप मौजूद हैं। वैसे आपकी मम्मी है तो 45 प्लस होंगी, आप हैं तो उम्र बता दीजिए, वरना नुस्खा एक ही है और वो है, देखिए, एक गोंद आता है जिसे गोंद सियाह कहते हैं, काला गोंद भी कहा जाता है। ये जायके में बहुत कड़वा और साइज में थोड़ा बड़ा बड़ा सा होता है, ब्राउन कलर का होता है, लेकिन गोंद सियाह कहते हैं या काला गोंद कहते हैं। ये ले लीजिए 100-200 ग्राम और ये अच्छा काम करता है। एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल लेना, पिसावा बिल्कुल मत लेना, कोई भी दे, और असली लेना, नकली भी मिलता है। तो इसको पाउडर बना लीजिए और दो चुटकी, देखिए ये चुटकी है, एक चुटकी और एक और चुटकी, दो चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, दो चुटकी शाम को खिलाना शुरू करें। ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने तक गोंद आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है सुनील, झारखंड से हमारे साथ, स्वागत है सुनील आपका। चलिए, लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं शायद, एक बार फिर से सुनील हमारे साथ, स्वागत है सुनील आपका। हमारा हम जी जी फोन पर लगे हुए हैं मैडम जी, बोलिए, सवाल कीजिए। हमारा स्किन डिजीज है, हाथ और पैर में स्किन डिजीज हो गया है, काला काला हो गया है हाथ और में और पैर में। जी ठीक है, एज बताइए। एज हमारा 52 ईयर्स है। ठीक है, अच्छा देखिए, अलसी ले लीजिए 400-500 ग्राम, हल्का सा भून लीजिए और इसमें 500 नहीं बल्कि 600 ग्राम अलसी ले लीजिए और इसमें सोडा मिलाइए 50 ग्राम खाने का सोडा, और इसको अलसी को पहले हल्का सा भून लेना और फिर इसमें पीसते समय 50 ग्राम सोडा खाने वाला मिला लीजिए और 100 ग्राम आपको इसमें मिलाना है नमक कलौंजी। कलौंजी का नमक आता है जिसे नमक कलौंजी कहते हैं और इसे ये एस्टेक होता है, कलौंजी का एस्टेक, तो ये सब आप मिक्स कर लीजिए और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, यानी 3-4 ग्राम पानी के साथ दो बार लिया करिए। एक बार में ही वैसे फ़ायदा शुरू हो जाता है, ज़रूरत पड़े तो दो बार भी ले सकते हैं खाने के बाद। ये 600-700 ग्राम मटेरियल ख़त्म होते होते आपकी स्किन का ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं अमित, इंदौर से हमारे साथ, स्वागत है अमित आपका। हेलो, हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार। हेलो जी, जी हकीम साहब को नमस्कार करता हूँ। जी आदाब, मैं आपको करता हूँ। हाँ बताइए। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं सर मैं 30 साल उम्र है सर हमारी। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। मेरे को अभी अभी से बाल सफेद हो रहे हैं सर। ठीक है,
हाँ देखिए, अगर नज़ला है तो नज़ले का इलाज करना पड़ेगा, और कोई और अगर आपको हार्मोनल कुछ है तो वो उसका टेस्ट करा लें, वो ठीक करना पड़ेगा। नज़ला रहता है तो नज़ले का इलाज है लिसोड़ा ख़रीद लें, और रोज़ाना एक चम्मच में इतने लिसोड़ा, ये सूखे मिलते आए वो पानी में उबाल के सुबह निहार में पी लिया करिए। और देखिए 30 साल भी अब उम्र ऐसी हो गई है कि उम्र आधी हो जाती है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो एज का रेशो है वो 60 और 65 है, तो 30 साल में क्या, मैं अब 60 साल का हो गया तो मैं भी अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं तो अभी कोई उम्र ही नहीं है। आदमी की ये फितरत है, और कुछ ये बाल आपके रुके रहें, जो हैं वो सलामत रहें, और जो हैं वो सफ़ेद ना हो, इसके लिए नुस्खा बताया।